एंट्रीज है वो बार 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 करना पड़ रहा था जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस में परचेज का ट्रांजेक्शन बहुत सारा होता है दिन भर सेल हो रहा होता है राइट right? सेल का कितना सारा ट्रांजेक्शन हो रहा होता है तो सेल किया कैश या बैंक आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कैश टू सेल्स कैश टू सेल्स कैश टू सेल्स कैश टू सेल्स बार बार हो रहा होता है उधार में बेचता है क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट में गुड्स बेचता है तो कस्टमर टू सेल्स कस्टमर टू सेल्स कस्टमर टू सेल्स कस्टमर टू सेल्स उसका पूरा नरेशन इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर सेल का होता है तो वो सारा अलग अलग अलग, -अलग, 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 -अलग जर्नल एंट्री पास करना होता है तो सिस्टम जहां पे क्या होता है डे बुक्स मेंटेन किया जाता है डे बुक्स मतलब सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन किया जाता है उसमें क्या होता है कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जितना होता है ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड ना करके उसका जर्नल एंट्री ना पास करके उसको अलग से रिकॉर्ड कर लिया जाता है राइट तो सब्सिडियरी बुक्स इज आल्सो अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल क्या था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब सर ट्रांजेक्शन रीड करो ट्रांजेक्शन को रीड करो और सबसे पहले अकाउंट्स में क्या होता है जर्नल एंट्री अपने पास करते हैं ट्रांजेक्शन का वहीं से वो लेजर जाता है ट्रायल बैलेंस में जाता है राइट right? इसी तरह से ट्रांजेक्शन का जर्नी होता है तो जर्नल एंट्री ना पास करके उसको डे बुक में रिकॉर्ड कर दो या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दो तो वो सब्सिडरी बुक्स भी तो द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही हो गया राइट इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल एंट्री ध्यान रखना एक ट्रांजेक्शन को रीड करके आप क्या तो उसका जर्नल एंट्री पास करोगे या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्डिंग एक जगह ही होगा रिकॉर्डिंग दो जगह नहीं होता है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कैश बुक में आ, या किसी सब्सिडरी बुक में एंड फिर वापस से रिकॉर्ड हो रहा है जर्नल प्रॉपर में भी या जर्नल जर्नल में भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और सब्सिडेरी बुक में अलग से रिकॉर्ड भी हो जा रहा है ऐसा नहीं हो सकता है एक ट्रांजेक्शन कोई भी एक जगह ही रिकॉर्ड होगा दो जगह रिकॉर्ड नहीं होगा लेजर पोस्टिंग जैसे होता है वैसे ही होगा राइट दो दो अलग अलग अकाउंट में जाता है लेजर में तो ठीक है वो जाएगा बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी डन ओनली एट वन प्लेस तो अपने सबसे पहले ये समझते हैं कि सर ऐसा कौन कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसको अलग से एक अलग सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है तो अपने इसमें एक टेबल बनाते हैं नेम ऑफ द डे बुक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कोई एक पर्टिकुलर ऐसा बिजनेस है मान लो जिसमें क्रेडिट परचेज का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट परचेजेस का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग होता है परचेज डे बुक परचेज डे बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ध्यान देना क्रेडिट परचेजेस नॉट ऑल द परचेजेस उसी तरह से सेल्स डे बुक बनता है जिसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है परचेज रिटर्न बुक बनता है जिसमें ऑब्वियसली परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो क्रेडिट वाला है ऑब्वियसली और जनरली परचेज रिटर्न ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होता है अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप ये मान लेना क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है परचेज रिटर्न का सिमिलरली रिटर्न बुक या इसी का दूसरा नाम भी है परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक या आप इसको बोल लो रिटर्न इनवर्ड बुक क्या रिकॉर्ड होता है सेल्स रिटर्न्स कभी-कभी एक्सचेंज का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता, होता, होता है जिसमें इस टाइप का ट्रांजेक्शन होता है वो लोग बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक भी मेंटेन करते हैं However, अपने पढ़ने वाले हैं परचेज बुक सेल्स बुकेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक ओनली जनरली आप लोग एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाता है बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स पेबल बुक ओके बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और बिल्स पेबल बुक में बिल्स पेबल का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसके बाद बनता है पहले मी राइट कैश बुक एंड देन देर इज जर्नल प्रॉपर कैशबुक में रिकॉर्ड होता है ऑल पेमेंट्स एंड रिसीट्स ये जानबूझ के रेड पेन में लिखे हैं ताकि आपको ये बात बता सके फोकस करके कि इट एक्ट एज लेजर ऑल्सो जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन ऑल अदर ट्रांजेक्शन आज तक अपने क्या करते आए हैं ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं रिकॉर्ड करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता ही होता है जर्नल एंट्री अपने हर एक ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करते हुए आए हैं अपने को पता है अगर आप कोई सेंटेंस को रीड कर रहे हो कोई एक्टिविटी हुआ है और आप बत, बोल सकते हो कि एक ट्रांजेक्शन है तो अगर वो ट्रांजेक्शन है तो उसका रिकॉर्डिंग होगा ठीक है अब बोल रहे हैं कि अगर क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करो क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करो अगर सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स रिटर्न बुक में करो परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करो बिल्स तो तो पेबल का लेना देना अगर हुआ है, right? आया या गया बैंक में पैसा आया या गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड करो ध्यान देना अगर आप परचेज करते हो कैश परचेज करते हो कैश परचेज कहां रिकॉर्ड होगा कैश परचेज का मतलब गुड्स परचेज किए कैश का पेमेंट किए

राइट right? ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश या बैंक का प्लस बैलेंस प्लस या माइनस हो जाए पेमेंट या रिसीट हो जाए किसी भी कंडीशन में अगर कैश या बैंक प्लस या माइनस हो रहा है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ठीक है कैश का ट्रांजेक्शन तो सोटेड है जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन वो सारा का सारा कैश बुक खत्म बात ही चैप्टर ही क्लोज उसके बाद क्रेडिट परचेजेस परचेज बुक क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक ट्रांजेक्शन ना ना तो तो है ना वो बिल्स पेबल का ट्रांजेक्शन है, है और ना ही कैश बुक का ट्रांजेक्शन राइट ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ये सब कहीं पे भी ना आ पाए उसका अपने जर्नल एंट्री पास कर देता है जैसे अपने सीखे हैं ऑलरेडी और उसी को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर तो आज तक अपने जो रिकॉर्डिंग सीखे हुए हैं वो है जर्नल प्रॉपर सर इसका एग्जाम्पल बताइए ना जो और कहीं भी रिकॉर्ड ना हो पाए बहुत सारे एंट्री है डिप्रिशिएशन का एंट्री जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री अपने पास करते हैं डेप्रीशिएशन का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंसेस का अपने जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री सीखे हैं क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एंट्री अपने प्रोवाइड करने वाला एंट्री पास करते हैं

अगर अपने परचेज बुक बनाए हैं अपने परचेज बुक बनाए हैं तो अपने को क्या परचेज अकाउंट अलग से बनाने का जरूरत है हाँ, है परचेज अकाउंट क्या है लेजर है जो लेजर ऐसा लेजर है कि उसका लास्ट में जाके जो टोटल निकलेगा वो हम लोग को टोटल परचेज बताएगा जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे और उसके बेस पर फाइनल अकाउंट्स बनेगा राइट परचेज अकाउंट इज लेजर उस लेजर में अपने को क्या पता चलता है टोटल परचेज ड्यूरिंग टोटल परचेज ड्यूरिंग ट्रायल बैलेंस में में और फिर उस trial balance के बेस पर बनता है final account जहां पे अपने को टोटल परचेज दिखाना रह, दिखाना रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में राइट right. अपने जो परचेज डे बुक बना रहे हैं उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड हो रहा है उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड हो रहा है इसमें टोटल परचेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसीलिए परचेज डे बुक अगर बना भी लो तब भी अलग से परचेज अकाउंट लेजर तो बनाना पड़ेगा ही क्योंकि सर कैश परचेजेस कहां जाएगा कैश परचेजेस कैश बुक में चला गया क्रेडिट परचेजेस परचेज डे बुक में चला गया तो अपने को एक जगह टोटल परचेज नहीं पता चल पा रहा है एक जगह टोटल परचेज पता चल पाए वो तो सर पता चलता है लेजर में ही और परचेज अकाउंट का जो लेजर बनेगा फिर उसका जो टोटल आएगा वो जाएगा ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब मेंचेज अकाउंट बनेगा अकाउंट का लेजर बनेगा एकदम सिमिलरली सेल्स के केस में क्या सेल्स अकाउंट बनेगा लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट लेजर क्या बनेगा हाँ सर बनेगा क्योंकि अपने को चाहिए होता है टोटल सेल्स सेल्स डे बुक जो आप बना रहे हैं ना उसमें तो खाली आप क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉट अबाउट द कैश सेल कैश सेल रिकॉर्ड हो रहा है कैश बुक में तो कुछ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो रहा है सेल डे बुक में कैश सेल रिकॉर्ड हो रहा है कैश डे बुक में कैश बुक में अपने को चाहिए टोटल सेल एक साथ इसके लिए अपने को सेल्स अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ही राइट तो सेल्स अकाउंट लेजर बनेगा इसी तरह से परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट भी बनेगा राइट लेकिन फोकस अगर अपने कैश बुक बनाते हैं अगर अपने कैश बुक बनाते हैं तो कैश का ओपनिंग बैलेंस जितना भी कैश का प्लस हुआ डेबिट जितना भी कैश माइनस हुआ क्रेडिट तो कैश का प्लस और माइनस का हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है कैशबुक में और इसलिए अपने को जो लास्ट में कैशबुक का जो बैलेंस मिलता है वो कैश का जो एक्चुअल बैलेंस है वही पता चलता है बिकॉज बुक है तो सर सब्सिडियरी बुक लेकिन इट सर्व द पर्पज ऑफ अ लेजर ऑल्सो इसलिए अपने को अलग से कैश अकाउंट फिर बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है कैशबुक एक्ट एज अ जर्नल एज वेल एज लेजर कैशबुक है तो सर सब्सिडियरी बुक का पार्ट है पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ही है बट वो रिकॉर्डिंग इतना सुंदर तरीके से हो रहा है इतना अच्छे से बुक में रिकॉर्डिंग हो रहा है कैश ट्रांजेक्शन का कि आपको अब अलग से कैश अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं है कैशबुक जो अपना टॉपिक है ये अपने सेपरेटली कवर करते हैं सेपरेटली कवर्ड सेपरेटलीय अपने अब इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो बाकी सारा डे बुक के बारे में है यहां पे बस एक नोट अच्छे से जरूर लिख लो नोट ओनली कैश बुक इज अ डरी बुक विच सर्व पर्पज ऑफ कैश अकाउंट ऑफर लिखो ऑफ लेजर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑल्सो हैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एजर अच्छा ये जितना भी सब्सिडियरी बुक है ना ये बिजनेस अपना सुविधा के हिसाब से बनाता है किसी किसी बिजनेस को परचेस डे बुक का जरूरत नहीं है क्योंकि उसका क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं होता होगा क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन में भी बहुत कम होता है राइट तो वो परचेस डे बुक नहीं बनाएगा अगर कभी कोई क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया तो उसको कहां रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री पास कर देगा जैसे अभी तक करते आ रहे थे राइट सेल्स डे बुक हो सकता बनाएगा क्योंकि हो सकता है उसका क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा होता है तो वो सेल डे बुक बना लेगा हो सकता है वो परचेज रिटर्न बुक बनाए सेल्स रिटर्न बुक ना बनाए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बुक बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है जनरली कैश बुक तो जरूर बनता ही बनता है और बुक बुक सेल्स भी बनता है उसको छोड़ के बाकी जितना भी होता है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस अपने को एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे सकता है एक बड़ा सारा क्वेश्चन दे सकता है जिसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन दे, दे देगा और बोल देगा

अभी यहां पर मेरे को एक बात रि करना है फटाफट से देखो रिकॉर्डिंग अपने बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग में अपने जो अभी पढ़े हैं वो है परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स, रिटर्न बुक बिल्स रिसीवेबल बुक फिर बिल्स पेबल बुक जर्नल प्रॉपर यहाँ पे साइड में लिख के रख लो ताकि आप लोग एकदम भूलो नहीं ये बात आपको बहुत अच्छे से रहे कैश बुक जस्ट अ सेकेंड एक मिनट रुक जाना ओपन कर रहे हैं राइट तो मेन चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सर परचेज बुक बनने के बाद भी परचेज अकाउंट लेजर तो बनाना पड़ ही रहा है सेल्स बुक बनने के बाद भी सेल्स अकाउंट लेजर तो बनाना पड़ ही रहा है Purchase return book बन रहा है तो क्या हुआ अकाउंट भी बनेगा भी 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 बनेगा bills receivable account भी बनेगा bills payable account भी बनेगा लेकिन कैश बुक गया तो अब आपको कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि कैश बुक का जो फॉर्मेट ही है जो ये चैप्टर अपने सेपरेटली कवर किए हैं तो कैश अकाउंट का काम भी कैश बुक के अंदर ही अपने आप हो गया अपने को अलग से अब कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है कैश बुक जो बना उसमें अपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी ले लेते हैं जितना भी कैश इनवर्ड कैश आया है वो भी आ जाता है कुछ भी पेमेंट हुआ है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाता है और उसके बाद लास्ट में अपने को कैश का बैलेंस भी पता चल जाता है राइट right? तो कैश बुक बनाने से कैश अकाउंट का काम भी अपने आप हो गया अलग से अब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं यहां पे बस इसको मत भूलना नल एज वेल एज लेजर या रिकॉर्डिंग एज वेल एज क्लासीफाइंग फिर लिख लो बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड बैंक रिकॉर्डेड परचेज बुक में ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड सेल्स बुक में ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स इज सॉरी परचेज बुक में ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड ओनली क्रेडिट परचेजेस राइट ओनली क्रेडिट परचेजेस यहां पर भी सेम ओनली क्रेडिट सेल्स राइट ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है परचेज डे बुक में ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ऑन परचेज बुक सेल्स बुकेज रिटर्न बुक रिटर्न बुक बिल्स पेबल बुक आपको करने का जरूरत नहीं है जर्नल एंट्रीज अपने ऑलरेडी बहुत सारा पास कर चुके हैं तो जर्नल प्रॉपर आपका हो गया है एंड कैश बुक इज कवर्ड सेपरेटली परचेज बुक के ऊपर क्या क्वेश्चन है देखें रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ मिसेज बैनर्जी ब्रदर्स कोलकाता एंड पास द जर्नल एंट्री ऑल्सो ठीक है मतलब जर्नल एंट्री भी पास करके बोल रहा है दिखाओ कैसे क्या होगा ठीक है दिखा देते हैं पहले तो परचेज बुक बोला है तो परचेज बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं एक बनता है डेट का कॉलम यह हुआ डेट फिर हुआ पर्टिकुलर्स, फिर हुआ इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर देन सा कॉलम फॉर लेजर फोलियो देन डिटेल्स जिसमें अपना पूरा ब्रेकअप दिखाते हैं अमाउंट का उसके बाद परचेज बुक के केस में कॉस्ट कितना है परचेज में जो जाएगा इनपुट सीजीएसटी कितना है इनपुट एसजीएसटी कितना है इनपुट आईजीएसटी कितना है रेट कितना है और टोटल कितना है ये अपने कर रहे हैं ये अपने से कब का पूछ रहा है रिकॉर्ड मिसेस बैनर्जी ब्रदर्स कोलकाता अप्रैल 2020 का है ठीक है अपने बस इतना इन द बुक्स ऑफ मिसिज बैनर्जी ब्रदर्स कोलकाता बुक फॉर द पीरियड डेट पर्टिकुल इनवाइस नंबर या वाउचर नंबर आता है केस में परचेज का एक्जैक्टली परचेज अकाउंट में जो जाएगा ना परचेज अकाउंट जो लेजर में डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट जो करते हैं वो अलामाउं उसको कॉस्ट बोलते हैं फिर उसके केस में अपने इनपुट अपने को कुछ मिलेगा जो परचेज किया इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी इनपुट आई जी एस टी फिर कोई फ्रेट वगैरह अगर लगा है तो फ्रेट एंड टोटल कर सकते हैं या अदर्स भी लिख सकते हैं ठीक है तो अब देखते हैं एक एक है करके ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रैल वन तो डेट में तो ऊपर ट्वेंटी ट्वेंटी लिख दो

उसका इनवॉइस नंबर कितना है वो भी अपने को दिया हुआ है तो अपने यहां लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स में, जोशी ब्रदर्स कोलकाता इनवॉइस नंबर टू वन जीरो दिया हुआ है लेजर फोलियो में ब्लैंक रहेगा फिर जो जो आइटम का डिटेल दिया हुआ है टेन फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट रुपीज टू हंड्रेड इचटी एट द रेट सिक्स परसेंट में आ रहे हैं रुक जाओ टेन फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट रुपीस टू हंड्रेड इच टेन ट्यूबलाइट एट द रेट टू हंड्रेड इच अमाउंट डिटेल के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट बताओ टू हंड्रेड इंटू टेन कितना होता है टू थाउजेंड नेक्स्ट फिफ्टी क्रॉम्पटन बल्ब एट द रेट हंड्रेड इच। 50 bulbs at the rate rupees 100 each. Right. कितना हुआ 50 into 100 is 5000. फाइव थाउजेंड इसका टोटल लिखो सेवन थाउजेंड राइट राइट क्रॉमटन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा एक डिटेल जाना चाहिए बस इतना लिखना इज एनफर बोल रहा है सी जी तो बोल रहा है लेकिन ये पढ़ो यहां पर डिस्काउंट टेन परसेंट है पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है उसके बाद जीएसटी का रेट अप्लाई होता है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट टेन परसेंट सेवन हंड्रेड तो जो बचा दिस इज सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड इसके ऊपर कितना है C.G.S.T. एस जी एस टी सिक्स परसेंटेज मतलब छसेंट का सी जी एस एस जी एस टी अपना इनपुट है बताओ कितना होगा सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड का सिक्स इज थ्री सेवेंटी एट एंड एस जी एस टी ऑल्सो थ्री सेवेंटी एट तो टोटल कितना हुआ सेवन जीरो फाइव सिक्स ओके अब इसको देखो ब्रेकअप कैसे दिखाते हैं ध्यान से देखना कॉस्ट कॉस्ट में में क्या जाएगा में, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट होता है ना वो हम लोग का एक्चुअल बताओ कितना है थ्री सेवनटी एट इनपुट एसजीएसटी भी थ्री सेवनटी एट क्योंकि सर ये तो लोकल ट्रांजेक्शन था सीजीएसटी एसजीएसटी बोला है तो आई जी एस टी इसमें नहीं है ट्रेड के बारे में कुछ दिया नहीं है सर इसका आप टोटल करोगे तो सेवन जीरो फाइव सिक्स आ जाएगा नेक्स्ट डेट देखते हैं अप्रैल टेन परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर डेली इनवॉइस नंबर एटीन अप्रैल टेन राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर इनवॉइस नंबर एटीन राइट राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर डेली लिख दोगे तो बेटर रहेगा जेश इलेक्ट्रिक स्टोर डेली ट्वेंटी फाइव हीटर्स एट द रेट रुपीज एट हंड्रेड एट हंड्रेड इच ट्वेंटी फाइव हीटर्स एट द रेट रुपीज एट हंड्रेड कितना होता है ट्वेंटी फाइव हीटर्स ट्वेंटी फाइव इंटू एट हंड्रेड गिव ट्वेंटी थाउजेंड ये अपने डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट, फिफ्टी ये जी टेन परसेंट रेट डिस्काउंट यहाँ पे भी टेन परसेंट रेट डिस्काउंट बोला है तो दोनों का अपने एक साथ कर देंगे और आई जी एस टी ट्वेल्व परसेंट बोला है ठीक है फिफ्टीन फैंस एट द रेट सिक्सटीन हंड्रेड इच सिक्सटीन हंड्रेड तो सिक्सटीन हंड्रेड इंटू फिफ्टीन ये अपना आ रहा है ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है उसके बाद इसका टोटल करते हैं तो फोर्टी फोर थाउजेंड आ रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट बोला है मतलब फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड तो अपने को मिलता है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में जी एस टी कौन सा है देखो इसमें आई जी एस टी बोल रहा है, तो विल, विल है तो टेक लेट्स टेक आईजीएसटी एट द रेट ट्वेल्व परसेंट दोनों में राइट right? एक ही पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो बिल में तो आईजीएसटी ही लगेगा आईजीएसटी एट द रेट ट्वेल्व परसेंट बता दो फोर सेवन फाइव टू अमाउंट इज 44,352 इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अमाउंट परचेज का अमाउंट सर 44,000 है के बाद इनपुट है कुछ नहीं है इनपुट एस कुछ नहीं है जो है आई है सॉरी ये 39,600 आएगा सो सॉरी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो आएगा 39,600 राइट दिस अमाउंट विल कम यार रेट डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचता उसी को तो अपने परचेज वैल्यू बोलते हैं ना वही तो अपने परचेज अकाउंट में डेबिट भी होता है राइट तो आईजीएसटी इज फोर सेवन फाइव टू फोर सेवन फाइव टू रेट के बारे में कुछ नहीं बोला टोटल इज फोर्टी फोर थ्री फिफ्टी टू कॉलम थोड़ा सा छोटा पड़ गया फोर सेवन ओके लास्ट अपने को दिया हुआ है अप्रैल सिक्सटीन देखते हैं आएगा क्या इतने जगह में परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर डेडी ठीक है थोड़ा सा झगा और ले लेते हैं नीचे से एट द रेट हंड्रेड इच ड है ये ईच मतलब वन पीस है राइट right? और अपने को यहां पर बोल रहा है फाइव डजन मतलब कितना पीस है फाइव इंटू ट्वेल्व आपको पता होना चाहिए वन डजन इक्वल टू ट्वेल्व पीस अपने यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं देखो फाइव डजन एट द रेट रुपीज हंड्रेड इच इसको अमाउंट कितना लिखेटी इंटू हंड्रेड सिक्स थाउजेंड लिखना पड़ेगा यहां गलती मत करना फाइव डजन का मतलब सिक्सटी होता है सिक्सटी नेक्स्ट ठीक है प्लस आईजीएसटी बोला है बारह परसेंट प्लस आईजीएसटी यहां भी बोला बारह परसेंट ठीक है ट्वेंटी फाइव पावर प्लग्स एट द रेट रुपीज एटी ट्वेंटी फाइव पावर प्लग एट द रेट रुपीज एट्टी ईच तो ट्वेंटी फाइव इंटू एट्टी गिव्स अस टू थाउजेंड टोटल इज कमिंग एट थाउजेंड यहां भी लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट टेन परसेंट है क्या ओ oh, सॉरी इस क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है इसमें सीधा जीएसटी को प्लस करने बोला है इसमें ट्रेड अच्छा है 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 ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट ये रहा ठीक है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो कितना होगा एट हंड्रेड हो गया माइनस बचा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इसमें एड आई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आई बोला है एट द रेट ट्वेल्व देख लो दोनों में तो 7200 12% IGST आ रहा है 864 दिस टोटल कम्स 8064 एंड इसका ब्रेकअप अपने कैसे करेंगे सर टीडीएस लेस एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे ना ध्यान दो अपने को यहाँ पे फ्रेट भी बोला है फ्रेट चार्जेस रुपी ₹75 फ्रेट चार्जेस क्योंकि अपने को लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है ना तो अपने इसको यहां पर ही ऐड कर देंगे After IGST जो amount है ना, उसमें ऐड कर देंगे 8064 आया, उसके बाद अपने कर देंगे कितना no दिया हुआ है 75. तो ये टोटल हो रहा है एट वन थ्री नाइन तो यहां पे, cost में आ जाएगा टीडीएस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड जी कुछ नहीं है एसजीएसटी कुछ नहीं है आई अमाउंट इज एट सिक्सटी फोर एंड यहां पे सेवेंटी फाइव का फ्रेड भी है टोटल हो रहा है एट वन थ्री नाइन ओके अब इसका टोटल देखो सिक्स सिक्स पहला वाला थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड प्लस सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री वन हंड्रेड हंड्रेडीएसटी का टोटल देखो खाली थ्री सेवेंटी एट है और एसजीएसटी भी थ्री सेवेंटी एट है बस पहले वाले में था आईजीएसटी फोर सेवन फाइव टू प्लस एट सिक्सटी फोर इट गिव्स अस फाइव सिक्स वन सिक्स ठीक है फ्रेड भी सिर्फ सेवेंटी फाइव है और टोटल का टोटल चाहे तो कर लो बताओ कितना होगा टोटल का टोटल सेवन जीरो फाइव सिक्स प्लस फोर्टी फोर थ्री फाइव टू प्लस एट वन थ्री नाइन फिफ्टी नाइन फाइव फोर्टी सेवन Okay. अब अपने को क्वेश्चन बोला इसको जर्नल एंट्री में भी दिखाओ तो देखो दिस अमाउंट अब जो बात कर रहे तो तो पास करने के बाद लेजर में लेके जाते थे, वैसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करने के बाद अपने को लेजर में लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा तो कैसे जाएगा ध्यान देना लेजर में जाएगा यहां से परचेज डे बुक से पहला बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ मतलब वो जर्नल एंट्री नहीं हुआ उसका ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग एक ही जगह होता है परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हो गया अब जर्नल एंट्री देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों समझने के लिए हालांकि परचेज बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है बट अगर इसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा तो कैसा जर्नल एंट्री होगा देखो एक साथ एक साथ सिंगल जर्नल एंट्री दिखाएंगे डेबिट क्या होगा सर दिस इज दिस इज टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिस इज परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट कितना एक साथ फिफ्टी थ्री वन हंड्रेड फिर इनपुट का टोटल भी सब एक साथ डेबिट इनपुट सी जी एस टी डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट आई जी एस टी अकाउंट डेबिट और क्या होगा फ्रेट भी हम लोग का सर एक्सपेंस है तो फ्रेट भी डेबिट फ्रेट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू टू पार्टी लोग के लेजर में जाएगा ना वो जिस पार्टी का जितना अमाउंट है टोटल टोटल उतना उतना जाएगा जोशी के बुक्स में सेवन जीरो फाइव सिक्स राजेश इलेक्ट्रिक के बुक्स में फोर्टी फोर थ्री फिफ्टी टू राइट तो जोशी राजेश इलेक्ट्रिक और सुप्रीम इलेक्ट्रिक जोशी टू राजेश इलेक्ट्रिक टू सुप्रीम इलेक्ट्रिक कितना कितना टोटल टोटल अमाउंट बताओ कितना कितना सेवन जीरो फाइव सिक्स फोर्टी फोर थ्री फिफ्टी टू एंड एट वन थ्री नाइन एंड सर इनपुट तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो थ्री 378 सेवेंटी एट फिर एंड सेवेंटी फाइव ये टोटल ऑफ द डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट आपका ऑब्वियसली मैच होगा इसका बोलने का मतलब ये है कि जो परचेज अकाउंट लेजर बनेगा ना उस लेजर में डायरेक्टली डेबुक से ये वाला अमाउंट चला जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जो बनेगा ना अलग से एक लेजर अकाउंट बनेगा उस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में ये वाला अमाउंट चला जाएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में लेजर में ये वाला अकाउंट अमाउंट चला जाएगा इनपुट आईजीएसटी का जो लेजर अकाउंट होगा उसमें ये वाला अमाउंट चला जाएगा फिर फ्रेट अकाउंट में ये वाला अमाउंट चला जाएगा और ये तीनों क्रेडिटर के बुक्स में क्रेडिट साइड में चला जाएगा ये तीनों अमाउंट दिस वे विल कंप्लीट परचेज डे बुक ओके नाउ नाउ वी विल डू सेल्स बुक ठीक है तो सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिधिमा सेल्स प्रिपेयर सेल्स बुक एकदम सिमिलर तरीके से बनेगा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा जैसे बनाते हैं अपने एकदम एग्जैक्टली exactly वैसे ही बनेगा थोड़ा सा फटाफट करते हैं डिटेल्स हुआ ये हुआ सेल्स वैल्यू ये हुआ आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी कोई फ्रेट या कुछ चार्ज करेंगे कस्टमर से वो एंड टोटल राइट थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं फॉर्मेट को इग्नोर करके डेट देन

एंड देन टोटल अमाउंट देखो रिदिमा सेल्स में मार्च वन मार्च वन को सोल गुड्स टू गायत्री टी आसाम गायत्री टी आसाम इनवॉइस नंबर टू डबल जीरो फाइव चेस्ट टी ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड पर चेस्ट एट द रेट फाइव थाउजेंड कितना हुआ फिफ्टीन थाउजेंड उसके ऊपर बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट का फाइव परसेंट और फिर आईजीएसटी ट्वेल्व परसेंट लेस रेट डिस्काउंट एट द रेट फाइव परसेंट बताओ कितना हुआ फिफ्टीन थाउजेंड का फाइव परसेंट इज सेवन फिफ्टी तो अमाउंट जो बचा दैट इज फोर्टीन टू फिफ्टी उसके ऊपर आईजीएसटी बोला है एट द रेट ट्वेल्व परसेंट देख लो आईजीएसटी ही बोला है हाँ सर ट्वेल्व परसेंट वन सेवन वन जीरो अपने को टोटल मिल रहा है फिफ्टीन थाउजेंड नाइन सिक्सटी राइट इसमें से आपका सेल्स वैल्यू में चला जाएगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है फोर्टीन टू फिफ्टी देन आउटपुट सीजीएसटी में कुछ नहीं आउटपुट एसजीएसटी में कुछ नहीं और आईजीएसटी में वन सेवन वन जीरो आउटपुट में और फ्रेट का इधर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है देन एकदम सिमिलर तरीके से जैसे अपने परचेज बुक किए ना एकदम सिमिलर मार्च फोर और मार्च फाइव का भी पोस्टिंग होगा एग्जैक्टली सेम नो चेंज जैसे परचेज बुक में की एकदम एग्जैक्टली exactly वैसे ही ओके आई एम डिस्कसिंग और वैसे ही फिर टोटल करेंगे वैसे ही जर्नल एंट्री भी इसका पास करके आप देख लेना वैसे ही उसी तरह से सेल्स अकाउंट में जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आउटपुट एस अकाउंट कोई फ्रेट अगर हुआ तो फ्रेट अकाउंट और कस्टमर रोक का अकाउंट जितना कस्टमर लोग का ईच कस्टमर का जितना टोटल होगा उसमें चला जाएगा परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक यहां पे ध्यान से सुनना एक बात रिटर्न जब करते हैं इसका मतलब क्या हुआ सर उधार में खरीदे थे क्रेडिट में खरीदे थे तो हम लोग का सप्लायर को अभी हम लोग को पे करना बाकी है जिसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं तो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है लेकिन जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम लोग उसका अकाउंट को डेबिट करते हैं तो अकाउंट डेबिट ऐसे ही नहीं होता है किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर होता है जैसे आप गुड्स परचेज किए तो आपको परचेज इन्वॉयस चाहिए था इनवॉयस नंबर जैसे सेल्स किए तो सेल्स का इनवॉयस नंबर उसी तरह से परचेज रिटर्न जब अपने करते हैं तो अपने को सामने वाला पार्टी को डेबिट नोट देना पड़ता है तो यहां पे इन्वॉयस नंबर की जगह डेबिट नोट का कॉलम बनेगा बस इतना सा बात है देख लो डेबिट नोट नंबर लेजर फोलियो एकदम फिर वैसे ही डिटेल्स जो परचेज रिटर्न कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना था उसके ऊपर इनपुट कितना था जो रिवर्स करना है परचेज रिटर्न के केस में इनपुट रिवर्स होता है तो तीनों इनपुट का कॉलम फिर इसमें कोई फ्रेट जनरली रहता नहीं है टोटल बस बात खत्म देखो अप्रैल फिफ्टीन को सीधा आप लोग तो को कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं रामकृष्णा कितना रिटर्न कर रहे हैं टू थाउजेंड का गुड्स डिटेल्स में ये है डेबिट नोट नंबर ये मत भूलना ये इंपॉर्टेंट बात है डेबिट नोट नंबर उसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक में ना क्रेडिट नोट नंबर होता है बस इतना सही फर्क है यहां पे डिटेल्स दिस इज लेजर फोलियो दिस इज कॉस्ट दिस इज इनपुट जो रिवर्स करना है सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी में से कौन सा रिवर्स करना है और टोटल अमाउंट कितना है तो जैसे रामकृष्णा से टू थाउजेंड रुपीज का डिटेल में अमाउंट आ गया और उसके बाद बोल रहा है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा सर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट मतलब हम लोग जब परचेज किए थे तो तो अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिला था तो अब जब रिवर्स करेंगे तब भी तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा वही आएगा ना ये टू थाउजेंड तो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो टू थाउजेंड लेस कर दिए तो बचा एटीन थाउजेंड इस एटीन थाउजेंड के ऊपर सी जी एस टी एस जी एस टी सिक्स परसेंट सी जी एस टी एस जी एस टी सिक्स परसेंट तो एटीन थाउजेंड का सिक्स परसेंट इज वन जीरो तो ये टोटल हो रहा ट्वेंटी सिक्सटी बस तो इसमें कितना है 18, और एस जी एस टी का दोनों का इनपुट को रिवर्स करना है आई जी एस टी कुछ है नहीं टोटल ट्वेंटी थाउजेंड वन सिक्सटी उसी तरह से दूसरा वाला भी अगर करें अप्रैल ट्वेंटी का अप्रैल ट्वेंटी का देख लो रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स ठीक है इसमें गुड्स का डिटेल नहीं दिया तो नहीं देंगे फॉर रुपीज फाइव थाउजेंड पांच हजार रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिए फिर बोल रहा है एज द गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल आईजीएसटी अच्छा और इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट का भी कहानी नहीं है और आईजीएसटी दिए थे ट्वेल्व परसेंट उसका रिवर्सल होगा आई जी एस टी ट्वेल्व तो इसमें फाइव इज द कॉस्ट जीएसटी कुछ नहीं है सिक्स हंड्रेड का इनपुट लिए थे वो रिवर्स करेंगे जो क्रेडिट होगा राइट परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा परचेस डेबिट होता है रिटर्न होगा, और उसके साथ में इनपुट को भी क्रेडिट करेंगे इनपुट को भी कैंसिल करेंगे तो सीजीएसटी का इनपुट कैंसिल होगा वन जीरो रिवर्स होगा क्रेडिट 1080 इनपुट sgst भी क्रेडिट होगा और 600 का इनपुट igst क्रेडिट होगा एंड पार्टी के लेजर में ये दोनों अमाउंट अलग-अलग जाएगा ये दोनों पार्टी के नाम पर जाएगा गोपाल सन्स और रामकृष्ण के अकाउंट में 20 और 5600 डेबिट होगा इसी के लिए लोगों को डेबिट नोट देंगे और डेबिट नोट नंबर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा राइट का टोटल आप चाहो तो लिख सकते हो 2576 एकदम सिमिलर तरीके से जब सेल्स रिटर्न होता है मतलब कस्टमर सामने से गुड्स ला के देता है तो कस्टमर का ऑलरेडी अपने अपने से अपने को जो पैसा लेना बाकी है, मतलब उसका है।, जब हम को कर देता है तो, अपने को उसको देना है। तो जो बनाओगे उसमें देना उसमें क्रेडिट नोट नंबर देना बस इतना एज इट इज होगा और कुछ नहीं होगा कॉस्ट की जगह में हम लोग सेल वैल्यू लिखते हैं ओके, आई होप आप लोग को सब्सिडियरी बुक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है थैंक यू